जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी छात्रों के आईटीआई के एग्जाम्स हो गए हैं उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, और यहाँ पर जितने भी छात्रों को इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल किया गया है उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, और साथ ही जितने भी छात्रों के रिजल्ट वगैरह नहीं आए हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल नोटिस यहाँ पर डीजीटी का आ चुका है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नीचे एक लाल बटन दिख सब्सक्राइब वाला, उसको दबाना, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना है, और आप तक आईटीआई जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आईटीआई छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें 1500 प्लस मेंबर शामिल हो चुके हैं, और आईटीआई का कोई भी नोटिस आता है, कैंपस सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंटेड जॉब हो गए, भर्ती हो गया, अप्रेंटिस के फॉर्म वगैरह हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गई, जो भी नोटिफिकेशन आती है आपको उस ग्रुप में भेज दी जाती है। तो आज ही आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का फाइनल नोटिस दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी। और यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया फाइनल नोटिस का डेट, ये आपका 11 मार्च 2022 को फाइनली आपका डीजीटी का नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी आईटीआई डायरेक्टर्स प्रिंसिपल यहाँ पर आप लोग देख पा दिया गया, और सब्जेक्ट आप लोग मेन देखिए यहाँ पर दिया गया फाइनल एक्सटेंशन फॉर अपडेशन अप्रूवल ऑफ मार्क ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल ऑन द एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल ऑफ फॉर एग्जाम हेल्ड इन सितंबर नवंबर 2021। यानी जितने भी छात्रों के एग्जाम्स हो चुके हैं उनका रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है, तो आप लोगों का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा ये आप लोगों का बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आप लोगों का दिया गया है कि एज यू आर अवेयर दैट द अपलोडिंग ऑफ मार्क ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल ऑन द एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल एक्सटर्नली इम्पॉर्टेंट फॉर टाइमली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एआईटीटी अंडर सीटीएस, इट इज ऑब्जर्व दैट सम स्टेट एसपीआईयू डिड नॉट अप्रूव द मार्क्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल विच रिजल्ट इन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ ट्रेनीज रिजल्ट, दिस हैज बीन टेकन वेरी सीरियसली बाय द सेक्रेटरी एमएचडी। यहाँ बता रहे हैं कि आप लोगों का जितने भी छात्रों का इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिकल का रिजल्ट, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो आपका एनसीबीटी एमआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट जब आप लोग चेक कर रहे हैं तो आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग या प्रैक्टिकल रिजल्ट नॉट बी अपलोडेड दिखा रहा है आप लोगों का, इससे आप लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप लोग देखिए अपॉन रिक्वेस्टेड बाई स्टेट डायरेक्टर एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल हैज बीन ओपेंड अगेन फॉर द लास्ट एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल हैज बीन ओपन फ्रॉम 12/3/2022 टू 22/3/2022, यानी आपका 12 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आप लोगों का नोडल आईटीआई एंटिल 26/3/2022 फॉर एसपीआईयू अप्रूवल रिक्वेस्टेड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द डेट्स विल बी नॉट बी इंटरटेंड, ठीक है। आप लोगों का बता रहे हैं कि आप लोगों का जो जो आपका रिजल्ट है वो आपका एनसीबीटी एमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका 12 मार्च से 22 मार्च तक आप लोगों का अपलोड कर दिया जाएगा, और आप लोगों का 26 मार्च के बाद आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी छात्रों के रिजल्ट्स नहीं आए हैं या जिनका ग्रेस मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है उनका रिजल्ट आप लोगों का 26 तारीख के बाद आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी छात्रों का बैक लगा है या फिर उनका फेल हुआ है तो आप लोगों का जो ग्रेस मार्क्स वाला था रिजल्ट वो भी आप लोगों के जारी कर दिया गया है, जिनका टेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी स्किल वर्क कैलकुलेशन एंड साइंस में बैक लगा था, ठीक है। तो आप लोग ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिए गए हैं, और साथ ही अगर आपका इंजीनियरिंग ड्राइव बैक लगा है तो आप लोगों को पास नहीं किया जाएगा, आप लोगों का बैक एग्जाम में लिया जाएगा, जो कि आप लोगों को बैक एग्जाम जो है अप्रैल तक आप लोगों के लिए जाएंगे। आगे कोई भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस के, धन्यवाद।